चलिए हम इसमें इन्वायरमेंट डालते हैं। इसके लिए हमको शेडिंग मोड में जाना पड़ेगा और शेडिंग मोड में आने के बाद हम लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्ट से वर्ल्ड पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं या फिर शिफ्ट ए प्रेस करके टेक्सचर में जाएंगे। टेक्सचर में यहाँ पे इन्वायरमेंट टेक्सचर है, यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे इसको, यहाँ पे ला देंगे। इसके बाद यहाँ पे ओपन जो है फाइल ओपन करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, वर्क पे, और यहाँ पे हम डाउनलोड करके पहले से ही रखे हुए हैं स्पेस बैकग्राउंड, इसको हम ओपन कर लेंगे। और यहाँ कलर से कलर मैच कर देंगे, ये हमारा इन्वायरमेंट आ जाएगा। अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा रेंडर प्रीव्यू मोड में नहीं है। जैसे ही इसको हम इसको रेंडर प्रीव्यू मोड में करेंगे ये हमारा इन्वायरमेंट आ जाएगा। चलिए तो लेआउट में चल के देख लेते हैं कैसा दिखेगा ये। देखिए कुछ इस तरह का हम लोग का इन्वायरमेंट हो जाएगा। प्ले बटन पे देखिए हमारा ऐसे एनिमेशन हमारा दिखने लगेगा। चलिए सन को कुछ रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम सन जाते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ से हम स्क्रीन को स्प्लिट कर लेंगे और इसमें हम लोग शेडर एडिटर लगाएंगे। ठीक, एन प्रेस करके इसको बड़ा कर लेंगे स्क्रीन को। देखिए ये हमारा पहले से जो सेटिंग था, नोट्स था, वो है। इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, इसको रियलिस्टिक बनाते हैं। एक ग्लॉसी बी एस डी एफ है, इसको हम लोग यहाँ से एक्सप्रेस करेंगे और डिलीट कर देंगे। और यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे शिफ्ट ए से शेडर में प्रिंसिपल बी एस डी एफ, यहाँ से ऐड कर लेंगे लोग प्रिंसिपल बी एस डी एफ। सरफेस कनेक्ट करेंगे यहाँ से इसको बेस कलर में, कलर को बेस कलर में कनेक्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद ये हमारा नॉर्मल ही दिख रहा है अभी, वही भी नॉर्मल ही दिख रहा है। इसके लिए कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और यहाँ वेक्टर में ऊपर बम्प है, इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक, उसके बाद इसमें डिस्टेंस को मैनिपुलेट करके देखेंगे। यहाँ कलर को यहाँ हाइट में ऐड करेंगे, ये नॉर्मल को यहाँ नॉर्मल से कनेक्ट करेंगे और कलर को यहाँ से बेस कलर में। देखिए हमारा कुछ ऐसे दिखने लगा। डिस्टेंस कम कर देते हैं। कुछ अच्छा दिखने लगा, लेकिन फिर भी अभी कुछ कमी है इसमें, हम लोग बनाते हैं। एक और शेडर हम लोग इसमें डालेंगे, इमिशन इमिशन शेडर यहाँ पे ऐड करेंगे और
देखिए, इमिशन को भी सरफेस से कनेक्ट करना है, जो कि अभी नहीं होगा। क्लिक कर रहे हैं तो एक डिसकनेक्ट हो जा रहा है। इसके लिए हम लोगों को एक और नोड ऐड करना पड़ेगा, यहाँ ऐड शेडर। इसको यहाँ पे डालेंगे और ये हमारा शेडर को कनेक्ट करने का काम करता है। इससे इस इमिशन को यहाँ शेडर में ऐड कर देंगे। देखिए, इमिशन मेरा अभी वाइट है, इसलिए वाइट दिख रहा है। इसके लिए इमिशन को हम लोगों को चेंज करके रेड कर देते हैं, ठीक। और स्ट्रेंथ इतना रन देते हैं, कलर से कलर को मैच करते हैं। देखिए, स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। देखिए, दिखने लगा कुछ ग्लॉसी जलता हुआ। एक और यहाँ पे बम्प ऐड कर देते हैं। हाइट में मेरा दूसरा कलर आ गया, इसको नॉर्मल से नॉर्मल को ऐड करेंगे। स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, डिस्टेंस को भी इंक्रीज कर देते हैं। चलिए, इतना काफ़ी है। इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, ठीक। काफ़ी अच्छा दिख रहा है। चलिए, इसको एनिमेट करते हैं। एनिमेट तो ये हो ही रहा है, लेकिन इसको हम लोग कैमरे से एनिमेट करते हैं। कैमरा व्यू से हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे कैमरे से, ठीक। तो ये हमारा यह कैमरा है, इसको यूज करेंगे हम। सबसे पहले कैमरा यूज करने के लिए इसमें हम लोग शिफ्ट ए से कर्व को यूज करेंगे। कर्व में हम लोग पाथ यहाँ से ऐड करेंगे और पाथ को हम लोग स्केल कर लेते हैं, ठीक। एडिट मेनू में जाते हैं और पाथ को जिगजैग बना लेते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कर लेते हैं। यहाँ से इसे सेलेक्ट करके प्रेस करके इधर इसको जी प्रेस करके, इधर इसको जी प्रेस करके, इधर और इधर लाते हैं, ये सन से क्रॉस ना हो। और इसको इधर, ठीक। अब जो मेरा कैमरा है, कैमरे को सेलेक्ट करके पहले तो हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, फिर और कैमरा को सिलेक्ट करके जी प्रेस करके यहाँ पे लाएंगे। कैमरे को इस पाथ पे रखते हैं जी, यहाँ पे पाथ पे। देखिए, हमारा पाथ यहाँ पे, लेकिन कैमरा भी ऊपर है। हम लोग जी जेड से कैमरा को नीचे लाएंगे पाथ पे, ठीक। और कैमरा को पाथ से पेरेंट कर लेंगे, कंट्रोल प्लस पी करेंगे और फॉलो पाथ यहाँ क्लिक कर देंगे। देखिए, हमारा कैमरा जो है पाथ के अलावा फॉलो होने लगा।
जो कैमरा जो हमारा है, चलिए फ्रेम कम कर देते हैं और कम कर देते हैं, कैमरा हमारा पाथ पे ही रहे, उतना ही फ्रेम रखते हैं हम लोग। वन फिफ्टीन फ्रेम ठीक है, रहने देते हैं। कैमरा का डायरेक्शन देखिए हमारा सही नहीं है, जीरो प्रेस करते हैं। देखिए हमारा कैमरा जो मूव हो रहा है कुछ भी सही से नहीं दिख पा रहा है। ठीक, उसके लिए हम लोग जीरो प्रेस करके फिर बाहर आ गए और जीरो पर ले जाते हैं, कैमरा को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ कंस्टेंट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट कंस्टेंट और ट्रैक टू, जिसको ट्रैक करना है कैमरे से उसको ट्रैक टू करके यहाँ से हम लोग मानते हैं सन को, स्फीयर है सन, उसको ट्रैक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, हमारा सन को ट्रैक करने लगा। चल के देखते हैं हमारा जीरो प्रेस का कैमरा व्यू में कैसा दिख रहा है। आई भी हम लोगों का साइड से दिख रहा है, हम लोग इसको ऊपर करते हैं कैमरा को, जीरो प्रेस करके बाहर जाएंगे और कैमरा को जी जेड से ऊपर करेंगे। अब चलिए अब देखते हैं, रेंडर मोड में देख लेते हैं। हमारा सीन कुछ ऐसे दिखेगा, चलिए इसको हम लोग रेंडर कर लेते हैं और इसमें हम लोग फ्रेम को बढ़ा देते हैं ताकि और अच्छे से दूर तक दिखे हमें। 200 फ्रेम तक हम लोग लेते हैं, 200 ठीक, ये कुछ हमारा इस तरह दिखेगा अभी। यहाँ पे हम लोग ड्रॉप शीट में जाते हैं और आई प्रेस करके लोकेशन वोकेशन स्केल कर देते हैं। और यहाँ 200 फ्रेम पे ले आके आई प्रेस करके लोकेशन वोकेशन स्केल, ठीक। चलिए अब हम लोग यहाँ रेंडर प्रॉपर्टी में जाएंगे, रेंडर प्रॉपर्टी में यहाँ पे आउटपुट प्रॉपर्टीज में यहाँ पे परसेंटेज 100% कर लेंगे, फ्रेम स्टार्ट में रहे 1 से एंड 200 ठीक है। और कहाँ पे हम लोगों को आउटपुट करना है यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे उस फाइल को हम लोग, चलिए डेस्कटॉप पे ही कर
लेते हैं, डेस्कटॉप पे हमारा आ जाएगा। और ये PNG है, तो PNG से हम लोग FFmeg वीडियो में कर लेंगे, ठीक। कलर RGB ठीक है। चलिए इसको हम लोग रेंडर करते हैं। रेंडर करने के लिए पहले कैमरा व्यू में जाएंगे और कंट्रोल F12 करेंगे। ये हमारा रेंडर होने लगा, देखिए। पूरे एक बार रेंडर होगा, उसके बाद हमारा ये हमारा फाइल में सेव होने के लिए रेडी हो जाएगा। रेंडर करने के लिए, वीडियो को रेंडर करने के लिए क्या किया है, Ctrl+F12, ये हमारा शॉर्टकट है रेंडर करने का। देखिए हमारा लगभग रेंडर होने ही वाला है पूरा। देखिए हमारा रेंडर हो गया। सेव कर लेंगे स्टेप पे। देखिए हमारा सेव हो गया। चलिए हम लोग डेस्कटॉप पे चल के देखते हैं। ये हमारे यहाँ पे रेंडर हो गया, आ चुका है। देखिए ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए।